नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, तीन तलाक मुक्त भारत, ये वो शब्द हैं जो देश के लिए नए हैं, बहुत नए हैं। ये मोदी के न्यू इंडिया के शब्द हैं, क्योंकि जंग में तो भारत ने पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है, लेकिन आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पहली बार भारत की जाबाज सेना पाकिस्तान में घुसकर मार के आई है। और ऐसा एक नहीं, दो दो बार हो चुका है। तीन तलाक के खिलाफ कठिन लड़ाई में भी आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। और दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का डंका ऐसा है कि इजराइल के चुनाव में पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर वोट मांगा जा रहा है। हर देश मोदी की कूटनीति का लोहा मानने लगा है। और जैसा दमदार इरादा प्रधानमंत्री मोदी ने हर मुद्दे पर दिखाया है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या 370 35 है और राम मंदिर पर भी फैसला जल्द हो जाएगा? क्या वाकई मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है? इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच से आज होगी आर पार की सबसे जबरदस्त, सबसे दमदार टक्कर। फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आखिर इस फकीरी के पीछे कौन सी ताकत छिपी है जो हर नामुमकिन दिखने वाले मिशन को भी मुमकिन कर दिखाती है? ये तीन तलाक पर मुस्लिम महिलाओं का जश्न है, लेकिन इसके पीछे पीएम मोदी की सियासी तपस्या जुड़ी है। तभी तो दो बार मात खाने के बावजूद मोदी सरकार ने तीसरी बार हिम्मत दिखाई और मुस्लिम महिलाओं को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। पर मुद्दा सिर्फ तीन तलाक का नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, नोटबंदी, जीएसटी, अलगाववादियों पर शिकंजा, असम में एनआरसी, ये सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे कर दिखाया। लेकिन पीएम मोदी का जलवा देश में ही सीमित नहीं है। जरा ये तस्वीर देखिए, इसराइल के चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैनर लगाकर वोट मांग रहे हैं। दुनिया भर में मोदी की कूटनीति का टंका है। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी हाई टू मुमकिन हाई, मोदी मेक्स इट पॉसिबल। और अब तो पीएम मोदी मैन वर्सेस वाइल्ड शो में भी नजर आने वाले, जिसमें पीएम मोदी का एक अलग अंदाज दिखाई देगा। घरेलू सियासी मैदान में भी देखें तो बंगाल में ममता दीदी का किला दरक गया, अमेठी में राहुल की हार हो गई, लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी साफ हो गई, महागठबंधन के धुरंधर औंधे मुंह गिर गए, और मोदी सरकार ने लगातार जैसी हिम्मत दिखाई है उसके बाद कुछ बड़े मुद्दों पर देश की उम्मीद अब और बढ़ गई है। और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या धारा 370, अनुच्छेद 35A, राम मंदिर, इन सभी मुद्दों पर भी जल्दी फैसला हो जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर आज जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। क्या मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है? ये सवाल भी है और ये जिम्मेदारी भी है। मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को। स्वागत है गौरव भाटिया का। मैं बुलाना चाहूंगा इस चर्चा में शहजाद पूनावाला को। स्वागत है शहजाद पूनावाला का। मैं बुलाना चाहूंगा इस चर्चा में जाने माने दलित चिंतक और बीएसपी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर सतीश प्रकाश जी को। स्वागत है आपका सर। मैं बुलाना चाहूंगा इस चर्चा में मौलाना नदीमुद्दीन साहब को, उनका भी स्वागत है। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बाबर कादरी साहब, उनका भी स्वागत है, जो कश्मीर से हमारे साथ ओबी लिंक के थ्रू इस समय लाइव है, तो उनका भी स्वागत है। और जनता जनार्दन है, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। चलिए इस कार्यक्रम के पहले राउंड को हम